असलम फ्रेंड्स इट्स शाहजा खानम वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब चैनल टूडे माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्परमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग मास्टर लेवल स्टडी और एमएससी डिपार्टमेंट सो स्परमेटोजेनेसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हैटोजोआ डिवेल्व फ्राम जर्म सेल्स एंड द सेमिनिफ्यस्टिब्यूल ऑफ टेस्टिस लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी सिम्पल वे स्पर्मेटोजेनिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि मेच्योर स्पर्मेटोज हुआ जिसको हम स्पम सेल्स कहते हैं जिसको हम सिंपली स्पम कहते हैं वो सेमिनिफ्यस्टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट जर्म सेल से उनकी फॉर्मेशन होती है उनकी डिवेलपमेंट होती है ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कैसे होता है कि सेमिनफ्यस्टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है बेसमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होती है बेसमेंट बेम्ब्रेन उसके बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स उनके अंदर डिवीजन होती है माइटोसिस होती है जिसके रिजल्ट में हमारे पास स्पर्माटोजोआ बनते हैं अब मैं आपको क्लियर वे में दिखाती हूँ एक फोटो हैंडमेड लुक एट दिस फोटो इसमें आप देखें कि ये हमारे पास जस्ट इमेजिन इट्स बिकॉज हैंडमेड ये हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास सेमिन फ्यस्टिब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैमिन फ्यस्टिब्यूल के साथ प्रेजेंट है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है ये क्योंकि हैंडमेड है ये स्केच है ये पोज करना है हमने ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं स्टेम सेल्स इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि बेटा ये डिवाइड करते हैं इनमें माइटोसिस होती है और ये अपनी कॉपी फॉर्म करते हैं अब ये हमारे पास बेसमेंट मेमब्रेन के नीचे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ए और यहाँ पर लिखा हुआ है बी इट्स का इसका मतलब ये है कि ये सेल जो है इसमें माइटोसिस हुई माइटोसिस के रिजल्ट में इसने दो सेल्स बनाए ए सेल एंड बी सेल जिसके रिजल्ट में हम क्या कह रहे हैं ये हमारे पास माइटोसिस हो रही है ओके आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये टू वन ट्वेंटी डेज के अंदर कंप्लीट होता है मेल्स में ठीक है वाइल अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में तो टेस्टिस जो है वो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पर्मेटोजोआ जो है वो डेली रिलीज करते हैं ठीक है थीके? उसके अलावा हमने कहा जिसमें से अब क्योंकि वो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स रिलीज करते हैं डेली जो टेस्टिस टेस्ट रिलीज करती हैं लेकिन उनमें से जो हमारे पास वाइएबल होते हैं जो एबल टू फर्टाइल होते हैं वो सिर्फ हंड्रेड मिलियन होते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट की बात हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में कि हमारे पास ये जो स्पर्म sperm है स्पर्मेटोजोआ है इनकी फॉर्मेशन इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है सबसे पहले क्या होता है कि इट स्टार्ट्स विद द माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स लोकेटेड क्लोज टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ डिब्यूज इन सेल्स को क्या कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर बिल्कुल वही बात है कि ये कंप्लीट म्योसिस प्रोसेस जो है ये ह्यूमन मेल की अगर हम बात करते हैं तो ये 74 फोर आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है ठीक है ह्यूमन मेल के अंदर 74 फोर आवर्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ये प्रोसेस है ये डिवेलपमेंट हो रही है जो फॉर्मेशन हो रही है स्पम्प सेल्स की ये जो स्पम्प्स की ये 74 फोर आवर्स में कम्प्लीट होती है उसके अलावा बात अगर हम करते हैं बेटा कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज में स्टार्ट करता है तो ये इट स्टार्ट एट ट्वेल्थ टू थर्टीन ईयर्स मतलब ये प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस और मेल के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहता है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डिवीजन की कि हमारे पास परमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग कितने टाइप ऑफ सेल्स की डिवीजन होती है तो हमारे पास दो टाइप ऑफ डिवीजन होती है हमने बताया था कि स्टेम सेल्स से उसमें डिवीजन होगी एक होगी माइटोसिस और सेकंड डिवीजन कौन सी होगी मियोसिस होगी सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है और टू टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस के रिजल्ट पे टाइप ए सेल एंड टाइप बी सेल अब टाइप ए सेल का, का काम क्या होता है कि स्टेम सेल्स को रिप्लानिश करते हैं रिप्लानिश मीन रिप्लेस करते हैं न्यू फॉर्मेशन होती है और टाइप बी सेल क्या करते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है लेट मी शो इन यू शो यू इन माई डायग्राम ये देखें ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम सेल्स भी सिंपली कहते हैं सिंपली हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं अब इसमें हुई माइटोसिस माइटोसिस के रिजल्ट में अब लेट सपोज हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो इसने दो सेल प्रोड्यूस किए टाइप ए सेल टाइप बी सेल टाइप ए सेल जो है उसने क्या किया रिप्लानिश किया स्टेम सेल्स को मतलब अपने ही कॉपी फॉर्मेशन करनी है टाइप बी सेल ने फर्दर डिवाइड किया और वो बन जाता है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है ठीक है जी अब बाद में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर डिवाइड करेगा दो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे लेकिन बात क्या हुई कि यहाँ पे माइटोसिस हुई थी लेकिन सेकेंड स्टेप के अंदर जो टाइप बी सेल ने जब डिवाइड करना है डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास क्या होगी मियोसिस होगी पहले मियोसिस वन होगी तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे दो बनेंगे जब हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्योसिस टू होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फोर स्पर्मेटिड्स या फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्म स्पर्मेटोसाइट्स दो बनेंगे ठीक है अब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं फर्दर फिर इनके अंदर मेचुरेशन होती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनते हैं ठीक है अब मैं आपको फर्दर डायग्राम जो है बाद में एक्सप्लेन करूंगी पहले हम फर्दर बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिखा है कि स्पर्मेटिडोजेनेसिस वर्सेस स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है अब बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं दो टर्म्स के अंदर अगर हम बात करते हैं क्योंकि मास्टर लेवल पे शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है सॉरी बेटा डिवाइड करता है म्यूटिकली इन टू से एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वो जो टाइप बी सेल था वो डिफ्रेंशियट करता है उसमें म्यूसिस वन होती है और वो दो सेकेंडरी सेकेंड्रीजोसाइड्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस ठीक है अब सेकेंडरी से जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे म्यूसिस टू होगी और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है क्या बन जाएंगे दो इक्वल हेप्लाइड्स स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस ठीक हो गया क्लियर हो गया सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्पर्मेटो स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या होती है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास ये जो हमारे पास बी सेल्स थे ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इनमें म्योसिस होगी और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ठीक है और हमारे पास क्या होगा फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर म्यूसिस टू होगी और टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास स्पर्माटीडो जेनिस होती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली क्या होती है स्पर्मियोजेसिस क्या होती है द स्पर्मा ट्रांसफॉर्म इन टू स्पर्मेटोजोगा या फिर हम स्पर्म्स इसको बोलते हैं बाय द प्रोसेस कार्ड स्पर्मियोजेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि हमारे पास अब वो स्पर्मेटिड्स तो बन चुके हैं ये देखें ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं ये वहाँ पास स्पर्मेटोगोनियम था जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं इसके अंदर माइटोसिस हुई तो ये वहाँ पर बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब देखें एक एरो लगाया इट्स मीन कि ये हमारे पास टाइप बी सेल यहाँ पे टाइप ए सेल और होगा जो इसको रिप्लेनिश करेगा अब इसमें म्योसिस वन होती है तो बेटा हमारे पास दो हमारे पास ये देखें सेल्स बन जाते हैं ठीक है म्योसिस होगी म्योसिस वन तो हमारे पास दो सेकेंडरी बन गए अब इसमें म्योसिस टू होगी तो हमारे पास फोर स्पर्मेटिड्स बनते हैं अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनकी मैचूरेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस है देखा ये जो हमारे पास इतना सा फेस है जिसमें हमारे पास स्टेम सेल से स्पर्माटेड्स चार बनते हैं ये हमारे पास स्पर्माटेडोजेनेसिस होती है लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटेड जो है उनके अंदर मैचुरेशन होती है और वो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ये हमारे पास प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस ओके इज इधर क्लियर ओके अब हम बात करते हैं फर्दर स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पर्म का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है स्पम जो है वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स पे कंपोस्ट करता है लाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा डायग्राम के अंदर इसका एक हेड होता है एक नेक रीजन है ये हमारे पास इसका मिडल पीस है मिडल पीस और ये हमारे पास इसकी पूरी टेल आ जाती है ठीक है तो हमारे पास स्पम के जो हैं फोर पार्ट्स होते हैं बेसिकली हेड नेक मिडल पीस एंड टेल अब जो हमारे पास पम्प की जो होल बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कवर हुई होती है ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके उसको डैमेज से प्रिवेंट किया जा सके अब जो हेड है इट कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लाइड न्यूक्लियस इस हेड के अंदर हमारे पास एक हैप्लाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ठीक है एंड द एंटीरियर पोर्शन ये जो एंटीरियर पोर्शन है हमारे पास ये देख इस हेड के अंदर जो एंटीरियर पोर्शन ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम बोलेंगे एक््रोजोम सिंपली मैं अगर आपको बताती हूँ के हमारे पास ये जो हेड रीजन होता है इसको इसको कवर किया हुआ है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ने जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम राइट तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास पास्लाइट न्यूक्लियस लाइक हमारे पास अगर ये हमारे पास है तो लेट मी शो यू ठीक है ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है हेड रीजन है स्पम का तो इसमें ये देखे ना ये एक कैप लाइक -like वाली क्या है? है, ये जो हैप्लाइट है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पॉम ये क्या है हमारे पास ये न्यूक्लियस है ठीक है ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसने जाके फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो करवानी होती है अब हमने बात करनी है आगे कि हमारे पास ये जो कैप्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोलते हैं एक्जोम बोलते हैं एक्रोजोम क्यों बोला है हमने इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जब तक एक्जोम के एंजाइम जाके एक्शन नहीं परफॉर्म करते तब तक ये अप्लाइड न्यूक्लियस बाहर नहीं आ सकता ठीक है यहाँ पे लिखा है दिस एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के ओवम की फर्टिलाइजेशन के लिए इस एक््रोजोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका होना बहुत जरूरी होता है उसके अलावा मिड पीस की अगर हम बात करते हैं ये जो मिड पीस है यहाँ पे ये देखिए मिड पीस है मिड पीस के अंदर क्या होता है नमरिस माइट्रोकों प्रेजेंट होते हैं इन माइट्रोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पाम मोटिलिटी असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन अब स्पम्प को फर्टिलाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि उसकी motility हो, उसके अंदर मोटिलिटी हो उसको मूवमेंट शो कर सके वो मूवमेंट कौन करवाता है तो वो मूवमेंट जो है वो माइट्रोकोंड्रिया करवाते हैं माइट्रोकोंड्रिया क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके रिजल्ट में वो मूवमेंट शो करते हैं कौन करते हैं स्पम करते हैं ओके जी बेटा बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कि स्पम्प का स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली कैसे है तो स्पर्माटेडोजनिस के अंदर तो हमने कहा था कि हमारे पास स्पर्मेटिड बन जाता है अब स्पर्मेटिड ने फर्दर जो है अंडर को जाना है स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि मैचुरेशन के प्रोसेस इसमें क्या होता है कि मैचुरेशन होती है वो मैचुरेशन हमारे पास उसके हेड uh, रीजन की भी होगी उसके टेल रीजन की भी होगी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेड की जगह टेल के बारे में ठीक है क्योंकि टेल के अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिड विगैन टू फॉर्म अ टेल वो जो स्पर्मेटिड है पहले उसकी टेल नहीं थी अब उसके अंदर टेल बनना स्टार्ट हो जाएगी किस तरह से बाय ग्रोइंग माइक्रोटिब्यूज ऑन वन ऑफ द सेंटर अब वहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से माइक्रोटिबल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे क्या होगा कि वो वो बैसल बॉडी के अंदर टर्न टर्न हो जाएगा मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दिस माइक्रोटिब्यूल्स फॉर्म एग्जोनियम ये जो ट्यब्यूल्स हैं ये एग्जोनियम बनाते हैं ये मैं आपको अभी डायग्राम के अंदर शो करती हूँ लेकिन पहले हम इसको रीड करते हैं लेट्रोन क्या होता है कि सेंट्रोल जो है वो मॉडिफाई होते हैं एक सेंट्रोसोम रिडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है उनकी और द एंटीरियर पार्ट ऑफ टेल जो टेल का एंटीरियर पार्ट है जिसको हम मिट पीस कहते हैं वो थिक हो जाता है वो थिक होने की रीजन क्या होती है मैंने आपको बताया था उसके अराउंड जो है प्रेजेंट होता है माइट्रोकोन्ट्रिया जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके रिजल्ट में उसके अंदर थिकनेस आती है और रिजल्टेंट वो एक्जोनेम फॉर्मेशन होती है ठीक है उसके अलावा बेटा हमने एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात यहाँ पे वो की थी कि ये मैचूरेशन के अंदर कैसे इसकी मोडिफिकेशन हो रही है ठीक है मोडिफिकेशन कैसे हो रही है तो उसके अंदर हमने बात किया कि सबसे पहले उसके अंदर कैसे जो है वो कन्वर्जन होगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज़ डीएनए मॉडिफिकेशन डीएनए मॉडिफिकेशन कैसे होती है यहाँ पर तो उस का जो डीएनए है उसके अंदर भी पैकिंग होगी पैकिंग पैकेजिंग कैसे होगी विद स्पेसिफिक न्यूक्लियर बेसिक प्रोटीन्स रिप्लेस विद प्रोटामाइन ड्यूरिंग स्पर्मेटेड एलोंगेशन अब क्या होगा कि मोडिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस में मैचुरेशन हो रही है इस मैचुरेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि हमारे पास स्पर्मेटेड एलोंगेशन के अंदर स्पर्मेटेड एलोंगेशन होता है कि उसकी जो है वो टेल जो है एलोंगेट कर रही है उसके अंदर एलोंगेशन हो रही है तो उसके ड्यूरिंग क्या होगा कि डीएनए जो है जिसके अंदर स्पेसिफिक बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट थी अब वो रिप्लेस हो जाएंगी प्रोटामाइंस से प्रोटामाइंस अब होता क्या है बेटा अब पूछेंगे प्रोटामाइंस है क्या व्हाट इज प्रोटामाइन प्रोटामाइन जो है वो स्मॉल आर्जिन रिच न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं दैट रिप्लेसिज हिस्टोन्स लेट इन अपलाइड फेस अभी जो प्रोटामाइंस जो होती हैं ये स्मॉल आर्जिन रिच प्रोटीन्स बेसिकली ये भी होती हैं जो कि हिस्टो हिस्टोन्स को रिप्लेस करती हैं अप्लाइड फेस के अंदर ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग और ये रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी होती है क्योंकि स्पर्म का जो हेड कंडेंसेशन और डीएनए एन डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए हेड कंडेंसेशन के लिए ये जो रिप्लेसमेंट होती है प्रोटामाइन्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अब रिजल्ट क्या होगा ये जो हमारे पास सारी मोडिफिकेशन हो डी एन ए की हमने जो प्रोटामाइन्स की प्रोटीन्स की रिप्लेसमेंट की है उसके रिजल्ट में हमारे पास जो क्रोमेटिन बना है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा ठीक है द गोल्जी सराउंड द नाउ कंडेंस्ड न्यूक्लियस बिकमिंग एक्रोजोम अब क्योंकि वो हमारे पास जो रिजल्टेंट हमने कहा क्रोमेटिन इनएक्टिव है तो उसको एक चीज सराउंड कर लेती है वो सराउंड कौन करेगा एक्रोजोम उसको सराउंड कर लेता है एक्जोम होती क्या है तो ना मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ये देखें ये थी इसने उसको सराउंड कर लिया था कम्पलीटली किसको डीएनए को अच्छा जी फिर हमने कहा कि एक्रोजोम क्या है तो इट इज एन दैट ऑर्गेनालीवेल्स ओवर एंटीरियर हाफ हेड इन स्पर्मेटोजोआ ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग हुमेन तो एक्रोसोम मैंने आपको बताया है कि ये एक ऑर्ग्नैली होती है ये बनती किस चीज़ से है क्योंकि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये गोल्जी अप्रेटर से ड्राइव होता है गोल्जी अप्रेटर से ये ड्राइव होता है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास न्यूक्लियस है और जो हेड रीजन है उसको कवर कर लेता है अब इसकी रीज़न क्या आती कि एक््रोजोम क्यों वहाँ पे था एक्रोजोम इसलिए वहाँ पे था क्योंकि एक्रोजोम ने कंटेन किए होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये दो एंजाइम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लेकिन इसमें बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं हाई एलोनिडेज एंड एकरोजिन एंजाइम इन एनजाइन का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ओवम के अराउंड प्रेजेंट होती है जोनम पैलासीडा ठीक है जोना पैलिसडा जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो ओवम के अराउंड होती है जिसने पुलिस परमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है उसको जाके ये जो एक्रोजेन और हाई एलोनडेज है ये उसको डिजोल्व करते हैं ताकि इसके स्पर्म का जो हेड के अंदर जो न्यूक्लियस था अप्लाइड न्यूक्लियस था वो वहां से जाए जोना पैलिसडा के अंदर से गुजर के ईजिली जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवा सके ठीक है मेरा बेटा अब हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने बताया कि बेसिकली ये होता क्या है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो मेच्योर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एबल हों फर्टिलाइजेशन के लिए फिर हमने बात की उसके बारे में कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है लेकिन इन सब के ड्यूरिंग हमने देखना है कि हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है हमारे जो बॉडी की जो मेन कंट्रोलर है ब्रेन है पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका रोल क्या है तो हम्स के अंदर बात करते हैं स्पर्माटोजेंसिस जो होती है ये प्यूबर्टी पे बिगैन करती है क्यों वहाँ आखिर प्यूबर्टी पे ही क्यों स्टार्ट करती है क्यों क्योंकि उस वक्त हमारा जो है मतलब मेल्स का जो हैपोथेलमस होता है और जो पिच्यूटरी ग्लैंड्स हैं, और जो, हैं। और जो लीडिंग सेल्स हैं पिच्यूटरी ग्लैंड सॉरी और जो लीडिंग सेल्स हैं उनका होता है इंटरएक्शन ये इंटर होने के रिजल्ट में स्पर्माटोजेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अब होता क्या है हमारे पास एफ एस एच जिसको बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी ए बी पी स्टैंड फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स इनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं ये ए बी पी जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये सर्टोली सेल्स इनकी प्रोडक्शन करवाती है उसके अलावा जो एफ एस एच है वो ब्लड टेस्ट्स बैरियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस पिचूटरी या लीडिंग की इंट्रैक्शन नहीं होगी तो ये सारे काम भी नहीं होंगे फिर क्या होता है हमारे पास एक और हार्मोन है एंटी मोलेरियन हारमोन इसका काम यहाँ पे क्या होता है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है रिप्रोडक्टिव टिश्यू से प्रोड्यूस हो रही है और इसका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है इनबिन और एक्टिविन की तरह ये क्या करता है कि ये हमारे पास फोलिकलोजेनिस और ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन के अंदर हेल्प आउट करता है फिर हम बात करते हैं बेटा एक्टिविन के बारे में एक्टिविन जो है ये हमारे पास गुनेट्स से प्रोड्यूस होता है पिचूट्री से प्रोड्यूस होता है और प्लेसेंटा के अंदर फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है इसका काम होता है कि ये एफ के वर्क को एक्टिवेट करता है उसको और बेस्ट बनाता है इनिबिन एक हार्मोन है ये भी गुनेट्स से पिच्यूटरी से और कॉर्पस लिटियम से रिलीज होता है इसका काम होता है कि ये एफ के वर को डिक्रीज करता है ठीक है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फिर लगता है हमारे पास लीडिंग सेल्स लीडिंग सेल्स जो हैं ये सेमिनिफेरस के बिल्कुल साथ ही प्रेजेंट होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये एल एच की प्रेजेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनका करवाने का बेसिकली काम होता है ठीक है मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ ये लीडिंग सेल्स ये देखें अब ये हमारे पास ये हमारे पास जस्ट पोज कि ये हमारे पास Uh, जो हमारे पास टेस्टिस है एक टेस्टिस दूसरे टेस्टिस ये बाकी डायग्राम के अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर वाली ये दरमियान में देख रही हैं आप लीडिंग सेल्स हैं ये लीडिंग सेल्स जो हैं ये टेस्टोसिरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं इसके अलावा ये देखें इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम है स्पर्मेटोगोनियम में डिवाइड किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने ये ग्रीन वाले फिर ये ग्रीन कलर शो किया है वैसे ग्रीन नहीं होते फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो है वो म्योसिस टू होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने ये मैंने ब्लू वाले बनाए हुए हैं और फिर मैचूरेशन जब होगी इस परम्यूजेंसीज तो मैंने इसमें शो किया कि ये हमारे पास पाम्स बन जाते हैं ठीक है दरमियान में ल्यूमेन है क्योंकि स्पेस प्रेजेंट स्पे, स्पेस के अंदर ल्यूमेन भी प्रेजेंट होता है ठीक है फिर हम बात करते हैं डी एच टी ठीक है डाईहाइड्रोटेस्टोसरोन ये भी एक एंड्रोजन सेक्स टीरोड हार्मोन होता है इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है एक एंजाइम फॉर्मेशन करवाता है इसका नाम है अल्फा रिडक्टेज ठीक है और ये इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है प्रो Pro ग्लैंड के अंदर स्किन के अंदर हेयर के अंदर हेयर फॉलिकल्स के अंदर लीवर या ब्रेन वगैरह के अंदर ठीक है एंड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हारमोन ऑफ द स्पर्माटोजेंसिस uh, वो क्या है एंड्रोजन एंड्रोजन जो है हमारे पास ये सेकेंडरी मेल करेक्टर्स करैक्टरिस्टिस जो है ये डेवलप करवाता है और ये बोथ मेल और फीमेल के अंदर लिटिल अमाउंट में सीक्रेट uh, होता है लेकिन इसका फंक्शन जो है वहाँ पे डिफरेंट होता है लाइक like एंड्रोजन की होना जरूरी है मेल के अंदर मेल करैक्टरिस्टिस की डिवेल्पमेंट के लिए फिर जाता है कि सर्टोली सेल्स का रोल क्या है मैंने स्टार्टिंग में बात की थी जब मैं हार्मोन्स की बात कर रही थी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो सर्टोली सेल्स हैं बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि इन्होंने हमारे पास ब्लड टेस्ट बैरियर उसके साथ साथ हमारे पास जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनकी फॉर्मेशन करवाई थी अगर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ना होती तो फिर हमारे पास वर्क कैसे होता तो सर्टोली सल्स के इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं कुछ जैसे कि ये हमारे पास क्या करते हैं ये कुछ टेस्टिकुलर फ्लूड सीक्रेट करते हैं ठीक है जो वहाँ पे स्पम्प्स की प्रोटेक्शन करवाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ ये सीक्रेट करते हैं उसके अलावा ये हमारे पास पिच्यूट्रिक ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं कि वो स्पर्माटोजेंसिस को कंट्रोल करें ठीक है ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो तो उसकी कंट्रोल भी करते हैं उसके अलावा ये म्योसिस को स्टार्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस की जो है वो रिलीज भी करवाते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका वो क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम से स्पर्मेटेड को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं वरना इम्यून सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय ना करते ठीक हो गया और हमारे पास इस तरह से ये प्रोसेस होता है और हमारे पास हमें पता है कि टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो हमारी बॉडी से थोड़ी सी जो है वो अवे होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न मेल्स में कि टेम्परेचर की इशू होता है इनको टेम्परेचर जो है वो वन टू एट डिग्री चाहिए होता है जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेल फीमेल सबका जो है वो थर्टी सेवन डिग्री टेम्परेचर होता है इसलिए इनकी लोकेशन जो है वो मेल्स में जो है वो कुछ इस तरह से होती है डिफरेंट बॉडी से अवे होते हैं सो so, उसके अलावा बात किया हमारे पास अ, लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास जो स्पम्प्स होते हैं उनमें कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ भी जाती हैं जैसे हमने कहा ना कि वाइबल जो है वो सिर्फ हंड्रेड मिलियन होते हैं जबकि टू टू थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम्प जो है वो रिलीज़ होते हैं लेकिन सिर्फ वाइबल जो है जिस स्पम्पाइल फर्टाइल कर सकते हैं वो सिर्फ 100 100 मिलियन होते हैं वो क्यों होता है क्योंकि देखें कुछ नॉर्मल स्पम्स होते हैं आपको नजर आ है यहाँ यहां इस डायग्राम के अंदर तो ये देखिए नॉर्मल है आप देखें स्मॉल हेड स्पाम ये स्पैम जो है वो काम नहीं कर सकता क्यों क्योंकि हेड स्मॉल है इस पम्प का लार्ज हेड है ये भी एबनॉर्मल uh, है इसके डबल हेड है ये भी एबनॉर्मल है इसकी डबल टेल है ये भी एबनॉर्मल है एबनॉर्मल मिडल पीस पम्प इसका मिड पीस जो है वो एबनॉर्मल है इसीलिए ये एबल टू फर्टाइल नहीं है होप सो so, आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच